बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 21 है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अल्कीन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। उसके बाद हमने देखा कि इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n होता है। उसके बाद हमने ये कहा कि अल्कीन के अंदर जो है हाइड्रोजन वो अल्केन की निस्बत जो है वो टू हाइड्रोजन वो कम होते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद हमने इनकी प्रिपरेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। और ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक का 8.4.2 टॉपिक नंबर है। तो जिस तरह हमने अल्केन्स के अंदर प्रॉपर्टीज को देखा था, इसी तरह अल्कीन्स की भी मेजरली फोर प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अल्कीन्स के जो पहले तीन मेंबर हैं, याद रखें बच्चों कि अल्कीन का जो स्मॉलेस्ट या उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन है, उसके बाद प्रोपीन और ब्यूटीन मौजूद है। तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। और इसके बाद जो C5 से या C4 से 15 तक के जो तमाम के तमाम मेंबर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, और इनके जो हायर मेंबर्स हैं लाइक C15 से अबव, तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनकी नेचर है। नेचर के लिहाज से अगर इनको देखा जाए तो इनके जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं वो गैसेज हैं, उसके बाद C5 से C15 तक लिक्विड हैं, और इनके जो हायर मेंबर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये इनकी नेचर है। सेकेंड नंबर पे हम इनकी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो अल्कीन्स हैं ये नॉन पोलर हैं, और लाइक डिजॉल्व, लाइक का जब प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर। तो अल्कीन्स की अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो अगर पोलर हों भी तो बहुत ही वीक पोलर हैं। इस वजह से वीक पोलैरिटी की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन अल्कोहल यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। याद रखिए बच्चों कि अल्कीन्स की जो वीक पोलैरिटी है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से है, और अल्कीन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अल्कीन्स जो हैं वो वीक पोलर हैं। थर्ड नंबर पे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये स्मेल, जब इनको बर्न वगैरह किया जाता है तो इनकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसकी वजह से हम इनकी लेबलिंग कर सकते हैं। और जब इनको फ्लेम में रखा जाता है, ल्यूमिनस फ्लेम के अंदर जो कि विजिबल फ्लेम होता है उसमें जब इनको रखा जाता है तो ये बर्न हो जाती हैं। तो अल्कीन की ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये करेक्टरिस्टिक इनकी कोई ना कोई स्मेल होती है जिसकी वजह से हम इनके मेम्बर को क्लासीफाई कर सकते हैं, और ल्यूमिनस फ्लेम जो विजिबल फ्लेम होता है उसमें ये अल्कीन जो हैं वो बर्न भी ईजिली हो जाती हैं। लास्ट इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो जैसा कि आपको पहले भी बताई कि इनकी जो पोलैरिटी की जब बात करते हैं तो अल्केन्स की तरह ये भी प्रॉपर्टीज, पोलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन इनकी जो पोलर प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। और जो वीक पोलर प्रॉपर्टीज हैं ये किस वजह से हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती हैं। तो ये फोर प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। इसके अंदर नंबर वन पे नेचर है कि नेचर के लिहाज से अल्केन्स किस टाइप की होती हैं, ये गैसेज भी होती हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। फर्स्ट मेंबर जो है इसके वो गैसेज हैं, C5 से 15 तक जो है लिक्विड हैं, और हायर मेंबर इनके सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात की, और एंड पे जो है वो हमने इनकी पोलैरिटी की बात की कि इनका जो बॉन्ड है वो वीक पोलर होता है। और इनकी थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो इनकी ये थी कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखती हैं और ल्यूमिनस फ्लेम की मौजूदगी में बर्न हो जाती हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था, और शॉर्ट सा टॉपिक है ये, अक्सर इसमें से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं कि राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। इसको आपने शॉर्ट के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।